ये देखो क्या नजारे पीछे के। अरे चुप रहना, तेरा हमेशा का ड्रामा रहता है। मां भाग। वाह भाई, एक हिट, एक हिट। छी छी छी, अपना व्लॉग है दोस्त का, उसी में बेइज्जती करवा रहे हैं। अकेले भाग ले। अब औकात होनी चाहिए मेरे साथ खेलने के लिए, इसकी नहीं है। अब बताता हूँ मैटर हो गया, मैटर हो गया। जीत गए, जीत गए। पापा पागल, ठीक है पापा पागल। हेलो एवरीबॉडी, दिस सचिन पुरी, कम बैक ओनली फॉर यू गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 11:30 और अचानक से मेरे फ्रेंड्स लोगों की कॉल आई कि क्रिकेट खेलने चल रहे हैं। तो मैंने सोचा रात को कौन क्रिकेट खेलने जाता है। सो उन्होंने बताया कि हमारे घर के पास ही बहुत ही बढ़िया जगह खुली है, क्रिकेट स्टेडियम, जिसको आप रेंट पे ले सकते हो एंड वहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो। एनी टाइम आप जा सकते हो वहाँ पे। सो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम के बाद क्रिकेट खेलने को मिलेगा, तो चलते हैं जल्दी से। 11:30 बज चुके हैं, 12 से 2 बजे तक का स्लॉट है। बाकी बातें मैं आपको वहाँ पे जाके करूँगा, देखते हैं कैसा मॉल होता है रात को। एंड लोकेशन, प्राइस वगैरह सब मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा उन लोगों से बात करके। सो मैंने भी अभी तक नहीं देखा है कि वहाँ पे कैसा मॉल होगा, तो चलते हैं फटाफट से। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस अब आती रहेंगी। बाकी आज अपनी पुरानी टीम भी कम बैक करने वाली है, मच्छी बदानी, जिन लोगों को आपने देखा होगा चोर बाजार ब्लॉग में बहुत पहले, तो आज उन लोगों के साथ ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। आप लोग देखना, बने रहना एंड तक। हम मिलता हूँ आपसे वहीं चलते। चलो तो गाइज, फाइनली पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। एंड आप लोग सोच रहे हो इतनी रात को 12 बजे कैसा माहौल होगा, क्या होगा, सारे घर वाले, सबके घर वाले डांट रहे थे कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, रात को कौन बैट बॉल खेलता? भाई हम खेलते बैट बॉल, मज़ा आएगा बिल्कुल। सो आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ एक बार ही, कोई कहेगा नहीं कि रात के 12 बज रहे हैं। 12 से 2 बजे तक का स्लॉट है हमारा एंड 100 रुपये पर पर्सन चार्जेस है 1 घंटे का। आपको एड्रेस बता देता हूँ ताकि ईजी हो जाए आपके लिए। ये वाला रोड है बाहर, ये बत्रा हॉस्पिटल के जस्ट सामने एक रोड कट रहा है, तो ये वहाँ से ये रास्ता आ रहा है एंड यहाँ से अंदर आके ही कट पे ये स्टेडियम है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया स्टेडियम है, मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा, मेरे घर के बिल्कुल पास में है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। ये पूरा बोर्ड है इसका, ये देखो नारायण सिंह स्पोर्ट्स क्लब, क्रिकेट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये बुकिंग नंबर है, तो इसको नोट कर लो, इस पर कॉल करके आप बुकिंग करा सकते हो एंड यहाँ का एड्रेस वगैरह भी ले सकते हो। चलो अब आपको अंदर का एक बार मॉल दिखा देता हूँ, कितना लाजवाब मॉल हो रहा है रात के 12 बजे, मज़ा आ जाएगा। ये देखो भीड़ देखो, ये देखो जी कितनी भीड़ हो रही है। बाकी अभी वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको स्टेडियम कैसा है। आर यू एक्साइटेड ब्रो? यस ब्रो, यस भाई, इतने एक्साइटेड है, बैट लेके आए हैं अपना पर्सनल। किल्ली उड़ा दूंगा, किल्ली किल्लियाँ उड़ा देंगे, फुल जहर काट देंगे। हमारी एंट्री हो गई है, ये धोनी की एंट्री हो गई है देखो। तो गाइस यहाँ से अंदर आओगे, ये देखो कितना क्राउड है, रात के 12 बज रहे हैं कोई बोलेगा। और ये देखो क्या स्टेडियम बनाया हुआ है, एक अंदर चारों तरफ नेट लगा के। बोलिए टीम से मिलवा दो, आए कर दो सारे भाई, कैसे हो भाई? ये देखो भाई टीम है सारे भाई, मैच स्टार्ट होने वाला है बस थोड़ी देर में। आप आ गए सारे भाई, हाय हाय हाय, आज बनेगी ग्रिप। यस, अरे 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 तैयारी चल रही है, तो मज़ा आने वाला है। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम के बाद क्रिकेट खेलने को मिलेगा भाई मेरे को। आज सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी मारेगा, मज़ा आएगा देखना आप। तो कैमरे को कहीं पे सेट कर देता हूँ एंड पेमेंट वगैरह हमने ऑलरेडी कराई दी है एडवांस, तो जिस किसी को भी आना हो आप यहाँ पे आ सकते हो, एनी टाइम बुकिंग है। सैटरडे संडे बस थोड़ा फुल रहता है, तो आज सैटरडे की नाइट है इसलिए हमें रात को करवाना पड़ा, रात के 12 बजे, 12 से 2 बजे तक का स्लॉट है। तो मज़ा आ जाएगा, 2 घंटे बढ़िया क्रिकेट खेलेंगे एंड उसके बाद कहीं घूमेंगे, खाएंगे पियेंगे और उसके बाद घर जाएंगे सोएंगे मस्त। तो चलते हैं फटाफट से, ये देखो क्या नज़ारे पीछे के, एकदम मस्त भाई। मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा मेरे घर के पास ये खुला है यार, मैं तो आता रहूँगा अब यहाँ पे, मेरे को नहीं पता था अपने वो थ्योरी। ये देखो जी वार्म अप चल रहा है, वार्म अप मेरे को तो पता ही नहीं था यार, हम तो भूल ही गए थे, बचपन में ही खेलते थे क्रिकेट वगैरह, तो क्रिकेट वगैरह खेलने अभी बस पार्क वगैरह में ही जाया करते थे, वो कितने टाइम हो गया खेले हुए। तो देखते हैं आज कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसा खेलता हूँ मैं, तो बने रहना एंड तक, मज़ा आने वाला है बहुत। कैमरे को कहीं सेट कर देता हूँ, चलते हैं। सो ये है पूरी पिच, ये देखो कितनी क्लीन है, ये देखो भाई। तो 3 यहाँ पे ग्राउंड है, फर्स्ट ग्राउंड, सेकंड ग्राउंड, थर्ड ग्राउंड, तो जब भी आओगे आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से, टीम में बांटते हैं एंड खेलते हैं। 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए, 5 का दीपक आ गया, तो भाई मेरे सन ठीक है, 5 बैटिंग है तुम्हारी, बॉलिंग है। तो मैं इनसे बोल रहा हूँ कि पैसों का लगाओ तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सारे फिर अपना 100% देंगे, वैसे लगाने नहीं चाहिए पैसों का, बट मज़ा आएगा यार कुछ भी लगाओ, 50-100 रुपये, बट बंदे अपना 100% तो देंगे जब जेब से पैसे जाएंगे।
तो देखते हैं क्या होता है, मैं किसकी टीम में हूँ। चलो दे यार पैसे लगाने हैं। पैसे यार क्या वो डायलॉग होता रहता है, डायलॉग आ रहा है। 50 पैसा बहुत है, 50 मिले होंगे, 50 दे रहे हैं, पापा देते नहीं है। तो भाई बंदा पैसे नहीं देता है, क्या करे भाई, नौकरी है भाई। ये बंदा कभी पैसे नहीं देता, रोता रहता है। ये फ्री में आए आप, हमने पैसे भरे इसके देखिए। और बैट बैट फुल तैयारी से आया, पैसे देने भाई, बैग तो मत डालो यार, बैग। अरे कौन है वहाँ, किससे बात कर रहा है? विराट कोहली भाई देख लो, पैसे ऐसे देता नहीं है, फुल तैयारी करके आए बैट बैट लेके। मेरी ना वहाँ से एंट्री करी जब बैटिंग आई ना, तू बोलियो कि एक विकेट गिर गई, ठीक है? अब आपको आना पड़ेगा राहुल, ठीक है? ठीक है, वहाँ पर आना फास्ट, अनाउंसमेंट कर, मेरे आगे के चलते रहियो। तो गाइस देखो एक्टिंग दिखाता हूँ आपको, एक्टिंग। भाई एक विकेट गिर गई, आपकी बारी है, इंडिया को आपकी जरूरत है। मेरे आगे आगे भाई, मेरे आगे आगे शॉट लेना है यार भाई। पवेलियन 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 के लिए। हाँ यार क्या कर रहा है यार, पूरा मजा खराब कर रहा है तू। तो आगे आगे चलना भाई। सर आप इंडिया को आपकी जरूरत है। तो भाई ये बढ़िया चीज है, यहाँ बॉल कहीं जाएगी नहीं, नेट लगे हुए देखो चारों तरफ। क्यों बंद करते हैं? मैं व्लॉग के मोड में आ गया हूँ तो बंद करवा रहा है। अभी मैं बना रहा था तो कह रहा है व्लॉग बनाओ, अब नहीं होगा कैमरा, मतलब कैमरा कहीं रख देता हूँ सेट करके। चलो सो गाइस मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये हमारी अपोजिट टीम ने बनाया है 20 रन तो वो बनाने भाई, भाई ने बहुत अच्छी फील्डिंग करी है। और बॉल तो ओवर एक नंबर डाला है, एक ओवर में 12 बॉल डाली होगी, क्या बताया। 6 वाइड और 6 नॉर्मल, साल ओवर पहले डाली थी बॉल। अब भाई बात तो भाई बहुत साल हो गए खेले हुए तो मजा आ रहा है। दो तीन बॉल तो प्रैक्टिस के डालता है, प्रैक्टिस वर्टिस कुछ करी नहीं, ट्राई डालना चल रहा है बस भाई। उसके बाद कैसे डाली भाई बॉल? आपकी अच्छी डाली, फील्डिंग में अच्छी करी भाई ने, तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ब्रो। भाई की बैटिंग देखो, भाई भाई देखो, भाई बैटिंग कर रहे हैं, देखो बॉलिंग आ रहे हैं। ए आएगी आएगी विकेट आएगी, विकेट आएगी, चल चल चल। अरे नहीं कैन का ऑमलेट बनाएंगे आज। तो गाइस मेरी बैटिंग आने वाली है, बॉल तो मैंने कराई नहीं अभी भी एक भी, क्योंकि भाई वो हाथ में सेट थी नहीं, एक दो कराई वाइड हो रही थी तो मैंने ओवर दे दिया किसी और को। तो अभी देखते हैं बैटिंग आएगी, बैटिंग नहीं छोड़ूंगा भाई, बैटिंग तो करूंगा। तो हमारी साइड है, तू क्यों कीपिंग कर रहा है? ओए मेरे को खेलने दे भाई प्लीज। क्या हो गया, पढ़ाई भाई? ये बंदा खतरनाक लग रहा है भाई, ये चालू है, पढ़ाने का चक्कर नहीं आया भाई। ओए सही से पढ़ा भाई, पहले बता पढ़ाने तो देखो शुरुआत है। अरे चुप रहना, तेरा हमेशा का ड्रामा रहता है। अबे यार क्या मत कर, ओ मत खेल, ये बॉल थी। नहीं नहीं ओए कम से कम खेल लेते भाई, कहना यार एक ओवर। अबे ओए कम से कम दो तीन बॉल खेल लेते, बंदा जब सेट होता है। अभी यार इतने सालों बाद खेल रहा है। अबे बॉल को वॉच कर, बल्ला घुमा दे बस, मतलब तेज डालना है। हाँ तो पहले ही बल्ला घुमा दे, ठीक है। हमेशा ज्ञान फैलता है, इसके बस की कुछ नहीं है। माँ भाग, चलो भाई ठीक कर दे, कौन उठाई नहीं तो भाग 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 भाई एक हिट और पिन, ठीक है? जैसे इंडिया का मैच जीते थे ना उस दिन वाला, भाई एक हिट एक हिट एक हिट भाई बहुत टाइम हो गया ब्रो, मैं रिटायरमेंट ले लिया यार। तो गाइस मैं आउट हो गया हूँ जैसे आपने देखा, पर मैंने मैच में जान डाल दी थोड़ी सी। भाई अंबानी ने खरीद लिया क्या? क्या था? तो भाई हालत खराब हो गई है, पसीने देखो कितने हो रहे हैं। अभी नहीं जा रहा बेटे, पूरे पैसे वसूल करके जाऊंगा 2 बजे तक। आंखों में नींद भरी हुई है और ये बैट बॉल खिला रहे हैं आप भाई। तो अबे यार मुझे दिखा रहा है, मैं बैटिंग करूंगा, अभी तू जाना चाहिए ना। तो इसका जाए, इसका एम्पायर है, कैमरा की तरफ तो आ रहा है भाई। रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी, झूठ नहीं बोलेगा कोई। चलो भाई, अरे भाई बहुत बढ़िया, ओवर नहीं बना भी भाई, इन्होंने करवाई हरकत। अरे अरे सो गाइस वो देखो अपनी टीम का बंदा खुश हो रहा है आउट होने पे, क्योंकि इसको बैटिंग चाहिए, बैटिंग आ गई। ये कैसी टीम है ये देखो भाई, यहाँ पे भी मैच चल रहा है फुल बढ़िया अगले ग्राउंड में। अरे क्या तो भाग मच्छी भाग मच्छी भाग भाग मच्छी भाग, क्या कर रहा है लड़का, अरे क्या बात है, मच्छी भाग मच्छी भाग, क्या बात है जी क्या बात है। प्रेशर नहीं लेना, भगना
वो चेरी फुल फील ले रहा है विराट कोहली वाली कटिंग में देखो विराट कोहली वाली करा कैच कर लिया मैंने भी भाई लगती चूलो लगती चूलो ले भाई ले अबे एम्पायर लगा था मुझे पता भी था ना दो बाइक गई है मेरे को क्या मतलब मैं व्लॉग बनाने आया हूं मेरे को नहीं मतलब वाइड व्यू से देखो गाइस हमारा राम लगा हुआ है चल भाई रा भाई साहब सो उठ जा डबल डबल मत जा रुक जा जा रेंदे बच गया बच गया बच गया ओवर हो गया गाइस देखो किलर सर है किलर सर इसकी बैटिंग नहीं है तो बता दे किलर सर है बैटिंग नहीं भाई शॉट मार रहे तगड़ा ये देख ले ठीक है बोलिए तो रा भाई रे चल चल अगले दिन यार भाई शॉट मार दो भाई बढ़िया मार रहे यार जिता दो यार ला भाई भाई देखो कोई बोलेगा रात के 12 बजे 1 बज रही है मॉल देखो यहाँ पर विराट कोहली अपना चल भाई छूते भाग मच्छी कर कुछ यार क्या कर रहा है मच्छी बोलेगा बेटे भाग मैटर हो गया मैटर हो गया भाई ये गलत बात है यार भाई मां के सामने किसी से हमने गलती करी है यार चलो लास्ट बॉल अबे मां का समझ खा रहे हैं तो एक मैच के चक्कर में तो मां का समझ खा रहे हैं वो क्या के यार चलो भाई मां का समझ मैंने गाइस दो बॉल पे दो रन चाहिए ये देखो देखते हैं क्या होता बड़ा बढ़िया बात बात ना भाई एक आ गया सचिन हां क्या बोलते जिता दूं आज जिता दे जिता दूं हां ओए या तो टाई होगा ना फिर हां अभी तो टाई है भाई या तो हम जीतेंगे या टाई होगा मच्छी छक्का मच्छी छक्का मच्छी छक्का मच्छी छक्का चल भाई भाई छक्का गाइस मच्छी छक्का ले भाई ओए भाई डा भाई डा भाई एक बॉल पे एक रन चाहिए देखते हैं मच्छी छक्का है नहीं है मच्छी तक होते भाग लियो मच्छी छूते भाग ठीक है कोई प्रेशर नहीं है तेरे पे बोले टाई है ना जीत गए जीत गए जीत गए टाई है ना टाई है टाई है ना तो भाई टाई हो गया मैच बराबर हो गया तो जीता हुआ मैच भाई हमारे हाथ से निकल गया और टाई हो गया देख लो मैं आउट हो गया इसलिए हुआ है पर मच्छी भाई ने अच्छा खेला भाई मजाक कर रहे थे मजे ले रहे थे ब्रो भाई बॉल अच्छी डाल रहे हैं सारे बंदे आते रहते हैं ना भाई सालों बाद खेल रहे हैं पता नहीं कितने सालों से भाई मैच का अपडेट दो थोड़ा अरे भाई अभी मैं बैठा ही था मैच का अपडेट दे रहा अपना पहला बंदा आउट जाओ भाई कोई चमको गाइस क्या हो रहा है अपना दूसरा पहला वाला मैच टाई हो गया दूसरे वाला मैच में 38 रन का टारगेट है 38 रन बनाया 39 रन का टारगेट है क्योंकि सबने छक्के खाए बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा मैंने बॉल सीधी गई मेरी तो छक्के पड़ रहे थे पूरे मैच भाई क्या कर सकते यार देखो बड़े सालों इसको बनना है ब्लॉगर बहुत बैठने का दो कौड़ी का ढंग नहीं है इतने सालों बाद खेल रहा हूं मैं यार पागल है क्या तू हर से भाई ऐसे फोन करता ना आ तो तेरा भाई तो चैंपियन है ये है घंटा है मेरा भाई पहले था एक टाइम था थोड़ी खेलते यार यार ट्रायल बॉल खिला दो भाई बल्ला डाल गाइस ये कह रहे ट्रायल बॉल खिला दो यहां पैसे लग रहे हैं हम बंद हो गए कहते भाग 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 गाइस हारेंगे तो सारे पैसे ये देगा और जीतेंगे तो सब में बढ़ जाएंगे छी 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 अपना व्लॉग है दोस्त का उसी में बेइज्जती करवा रहे लालच है सालो लालच चल चल आउट हो यार लाइक आएंगे मच्छी आउट हो जल्दी भाई इस बॉल पे भी कटाने वाली है गाइस मच्छी आउट होगा तो 1 मिलियन व्यूज 1 मिलियन व्यूज ला भाई बच गया गाइस अपना एक बंदा और आउट हो गया देखो जिससे उम्मीद थी
अब ये खेलने के आए, इसमें कुछ आता है नहीं, और एक बच्ची खेल रहा है। चलो देखते क्या होता है। क्या बात है, यही फॉर्म चाहिए बच्ची। पहले एक्सप्रेशन तो देगा भाई, कोहली है, रुक जा भाई, कोहली है। चल भाई मच्छी एक और दे दे यार। आ गए हैं, ये देखो इससे बड़ा बैट है, देखो कीपर चेंज है, बदानी से बड़ा बैट है। अरे क्या बात है, वो फुल फील लेके खेल रहा बच्ची। अकेले भाग ले अकेला खेल रहा है, देख लो। गाइस जब मैं सोम की टीम में था ना, उसने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, ये नहीं है, मैंने फील्डिंग का फेस करा। गाइस अब औकात होनी चाहिए मेरे साथ खेलने के लिए, इसकी नहीं है। अब अपोजिट टीम में हूं, अब बताता हूं इसको। अब न्यू टीम बन गई है, अब मच्छी वर्सेस बदानी हो गई। चैलेंज बढ़ानी है और मैं बदानी की टीम में। हां कर देंगे। 500 तेरे हो गए, ठीक है 500 व्लॉग में बकचोदी करनी होती है। 500 तेरे, ठीक है 500। 200 रुपए हार गए हैं, दोबारा 200 की लग गई है, देख लो। जुओ खेल रहे, देखो आज ही रात को 1 बजे जुओ खेल रहे सारे। चलो भाई चैलेंज जीत गए हैं, विनर भाई। ये देखो विनर का फेस और देखो लूजर का फेस। गाइस हम जीत गए, और झूठ का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा, अगर सच बोले तो भाई किंग। सो गाइस हमारी टीम फिर से हार गई है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। बहुत सालों बाद खेलने पे ऐसे ही होता है, तो अब आते रहेंगे यहाँ पे। देखो हमारा टाइम वैसे पूरा हो चुका है, 2:00 हो चुके हैं, थोड़ी देर तक एक्स्ट्रा टाइम लेंगे एंड मज़ा आ रहा है थोड़ा। चलो लास्ट मैच है, देखते हैं इसमें क्या होता है। ओ तेरी ओ बॉल भारी हो गई है, चेंज कर लो। बस बतौले आते भाई। देखो वैसे तो ये पाकिस्तान का सपोर्टर है, पर ये भाई ने मेरे लिए मारा है। ओए ओए पाकिस्तान का सपोर्टर आज मेरे लिए खेल रहा है भाई। मच्छी को क्या हो गया यार, कैसी फील्डिंग कर रहा है, इतनी खतरनाक है, देखो फुल एफर्ट डाल रहा है, लेट लिफ्ट की। ये बॉलर है भाई, तो ये हमारे फील्डर, तो ये हमारे बैट्समैन भाई, क्या हाल है। तो भाई लास्ट मैच है जो हम जीतने वाले हैं। तो गाइस लाइट भी बंद हो गई है, देखो मैच जीत गए हम सारे, फाइनली लास्ट मैच जीत गए। सो कैसे लग रहा है आपको, हाथी हाथी जैसे बंदे मारना पड़ेगी नहीं बोल। क्या 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 बोला आपने, कैसा लग रहा है आपको हार को, एक रन से हारे हैं, पहली बार तो मैं कब का आउट हो गया था। अच्छा तो किसकी गलती है, भाई अगर वो वाला मैच जीत जाते जो फंसा हुआ था वो इंटरेस्टिंग था, नहीं था सही बात है तो भाई मैं भाई इतने सालों बाद खेल रहा हूँ, धीरे धीरे हाथ फिट बैठेगा, आते रहिए यहाँ पे। तो गाइज आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो, नंबर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया, आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। नियर बाय बत्रा हॉस्पिटल है भाई, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप गूगल मैप पे भी डाल के आ सकते हो। और यहाँ वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ है, एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कम से कम आपको 10 लोग लेके आने पड़ेंगे, नहीं तो फिर अगर कम लोग आओगे तो आपको 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे बुकिंग के लिए। तो 10 लोग इसलिए ताकि 5-5 की टीम बना के आप खेल सको, और अगर 10 लोग से कम भी आते हो तब भी आपको 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे मिनिमम, उससे कम बुकिंग नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखना। तो चलते हैं फटाफट से घर पे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी यहाँ पर मैं आता रहूँगा एंड यहाँ इन्जॉय ऐसे करते रहेंगे, और बहुत जल्दी मैं इम्प्रूव हो जाऊँगा क्रिकेट में, तो फिर मज़ा आएगा। सो गाइस भाई से भी सब्सक्राइब करा रहे हैं, तो आप लोग भी जाओ और जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो बना रहे भाई मताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।